Stand up, all of you, and wish all together. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down. Now let me take attendance. Ramlal. Amram, ma'am. Panchi. Ud rahi hu, ma'am. Babalu. Palagu, ma'am. Pyare Lal. Idhar hu, ma'am. Golu. नहीं आया मैम, नहीं आया मैम। आज कक्षा में एक नया बच्चा आया है। Who is he? Stand up. Very good. Please introduce yourself. What is your name? MP मैम। What is MP? मनीष पटेल मैम। Okay. What is your father's name? MP मैम। What is MP now? मदनी पटेल मैम। Oh. What is your native place? MP मैम। MP means Madhya Pradesh. No ma'am, Manipur. Oh, what is your hobby? MP ma'am. What it is? Multiple ma'am. Then why are you here in this small school? MP ma'am. What it is? Money problem ma'am. Describe your personality. MP ma'am. What it is? Mind-blowing personality ma'am. Oh God, really you are MP. Ma'am, what is the meaning of MP? MP means mentally punctured. MP ma'am, my pleasure ma'am. चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं. Which chapter is going on? I'm Gulliver's Travel. Okay. I come in ma'am. Yes, come in. Golu, आज फिर तुम लेट आए हो. क्या करूँ मैम, लेट हो जाता हूँ. मेरे जागने से पहले मेरे मेरी किस्मत सो जाती है. मेरे रिश्ता नहीं देर हो जाती है. ठीक है ठीक है, बैठो अपनी सीट पर. कल से जल्दी आने की कोशिश करना. यस मैम. अरे अभी किसका पीरियड है? अरे ये तो गुप्ता सर का पीरियड है. अरे सर तो आते ही होमवर्क के बारे में पूछेंगे. हाँ कल तो सर ने होमवर्क दिया था, मैंने अपना होमवर्क घर जाते ही कंप्लीट कर दिया था. अरे मैं तो होमवर्क करना ही भूल गई. अरे अब सर को क्या कहोगी? अरे मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगी. Very good morning student. Sit down all of you. Thank you sir. बच्चों कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, क्या आप सभी ने उसे कंप्लीट किया? Yes sir. पंची आप चुप लग रही हो, क्या आपने होमवर्क नहीं किया? No sir. आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? सर घर में लाइट नहीं थी. अच्छा लाइट नहीं थी तो कैंडल जला लेती. सर माचिस नहीं थी. माचिस क्यों नहीं थी? सर माचिस पूजा घर में रखी थी. तो पूजा घर से माचिस ले आती. सर मैं बिना नहाए पूजा घर में कैसे जाती? अरे बेटा तुम नहाई क्यों नहीं थी? सर बताया तो कि घर में लाइट ही नहीं थी. आप सभी के पास एक ना एक बहाने जरूर तैयार होते हैं. अभी किसका पीरियड है? अभी तो तिवारी सर का पीरियड है. ओ नो, सो बोरिंग. बोरिंग क्यों? क्योंकि सर कुछ पढ़ाएंगे नहीं, अपना ही काम करते रहेंगे. हाँ ये बात तो सही है. जय हिंद. जय हिंद बच्चों, बैठिए सभी. सभी बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल कर पढ़ो और ध्यान रहे मुझक बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए. मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा हूँ. Yes, good morning students. Sit down everyone. Thank you sir. ये क्या तिवारी जी, आप कक्षा में सो गए? नहीं नहीं सर, मैं सो नहीं रहा. मैं तो बच्चों को रामायण की कहानी सुना रहा था.
लेकिन हमने तो आपको सोते ही देखा था। नहीं सर, मैं तो बच्चों को यह बता रहा था कि रामायण में कुंभकर्ण कैसे सोता है। ओ अच्छा, आप बच्चों को डेमो दिखा रहे थे। जी सर। बहुत अच्छा तिवारी जी, लगता है कि सभी बच्चों को रामायण की कहानी बहुत अच्छे से आती है। क्या हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? जरूर सर, पूछिए। बच्चों बताओ, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? पिता तुम बताओ, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? सर मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो कल स्कूल ही नहीं आया था। सिट डाउन। बेटा आप बताओ, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? सर मैंने धनुष नहीं तोड़ा, जरूर गोलू ने तोड़ा होगा, वो सबकी चीज तोड़ता रहता है। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ सर, गोलू ने ही धनुष तोड़ा होगा, कल उसने मेरी पेंसिल भी तोड़ दी थी। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने धनुष नहीं तोड़ा है, मैंने तो धनुष को देखा तक नहीं। तिवारी जी, ये क्या हो रहा है? जाने दीजिए सर, बच्चा है, गलती से टूट गया होगा। एक मामूली से धनुष के लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। हम स्कूल फंड से नया धनुष मंगवा लेंगे। जाने दीजिए सर अब इस बात को। तिवारी जी, आप मुझे मेरे ऑफिस में मिलिए। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है, ध्यान से सुनिए। आपके एनुअल एग्जाम अगले महीने 12 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। डेट शीट आ चुकी है, सभी बच्चे आज से ही पढ़ाई में जुट जाओ। Yes, sir. अरे यार, अब तो पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। चलो रट्टा मारना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर जैसे सर की बजाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार। चढ़ जाए जो बुखार, कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेल धार यार, रट्टा मार। Thank you.
अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा मैथ्स का पेपर तो अच्छा नहीं हुआ था। मेरे भी पेपर कुछ अच्छे तो नहीं हुए, पर मैं पास तो हो ही जाऊंगा। मेरे तो चारों पेपर खराब हुए हैं। इस बार मैंने पूरा साल मौज मस्ती में ही निकाल दिया। अब क्या होगा यह सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है, अब बोल हमारा क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। आज आप सभी को रिपोर्ट कार्ड मिलने वाले हैं। कुछ बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो कुछ बच्चों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। चलो मैं रिपोर्ट कार्ड बांटना शुरू करता हूँ। मैंने तो अपनी माँ से वादा किया था, वादा किया था कि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपको सुख दूंगा, मैं आपका ध्यान रखूंगा। क्या ध्यान रखूंगा यार, मैं तो खुद का भी ध्यान नहीं रख पाया। एक ही झटके में ये दुनिया इतनी आगे निकल गई, हम क्यों पीछे रह गए यार। क्या कोई है जो हमें रास्ता दिखाएगा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बेटा तुम रो क्यों रही हो। सर मैं फेल हो गया। रो मत बेटा, परीक्षाएं केवल एक दिन की नहीं होती, वो प्रतिदिन का विषय है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, जब सुबह जल्दी उठने का मन ना करे फिर भी हम उठे, हमारा स्कूल जाने का मन ना करे लेकिन फिर भी हम स्कूल जाए, यहाँ तक कि हमारा मन मोबाइल पे गेम खेलने का करे लेकिन हम पढ़ाई में जुट जाए, यहाँ तक कि मम्मी पापा भाई बहन और अध्यापकों की बुरी लगने वाली बातों में भी हम अपना भविष्य देखकर उनकी बातों को माने। असल परीक्षा एक विद्यार्थी की यही है बेटा, जो जीवन भर चलती रहती है। और जो दोस्त की परीक्षाओं को पास करता है वो हफ्ते महीने वो साल के अंत में होने वाली परीक्षा में फेल नहीं होता और ना कभी होगा। मैं सब समझ गया सर कि मुझसे गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई। अब मैं दिन रात पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करूँगा और अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगा। शाबाश बेटा, ये हुई ना बात। चलो अब रोना धोना बंद करो और एंजॉय करो। ओके सर। चलो चलो पार्टी की।